हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा हम चैप्टर कवर अप करने वाले हैं वो है बैंकिंग। सो पहले देखो, बैंकिंग में अब जो दो ही टॉपिक है, क्योंकि पहले पूरा जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स टू मनी सप्लाई, और या फिर प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, या फिर थर्ड हमारा आता था कि एक फीचर्स क्या है कमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो हमारे ये तीन में थे और इनमें से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था। अब हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स जो है वो तो हमारा हटा दिया सीबीएसई ने इस साल के लिए। तो अब हमारे जो मेनली जो दो ही टॉपिक बचते हैं, तो इनमें से हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। या तो फंक्शंस ऑफ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, या फिर हमारा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन आएगा। सो आप ये वाली वीडियोस और जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मतलब कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वो अच्छे से देखना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में आने वाला है 4 से 5 मार्क्स के अंदर। बट जो हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, वो भी वीडियो आप लोग मतलब एक बार के लिए वहां से गो थ्रू होना, क्योंकि वो केस स्टडीज की फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कर लिया जाता है। वो क्वेश्चन रिलेट एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई से होता है, लेकिन उसमें कभी दे देते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो कम हो गई, ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उस चीज का भी। जस्ट एक वीडियो में पूरा कवर ही हो जाएगा, जस्ट गो थ्रू हो जाना। उसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन, हमको ये वाला टॉपिक जनरली तो हमको अच्छे से आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, थ्योरी लिखते टाइम हमको मिस्टेक्स करते हैं। लाइक हमको थ्योरी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन की अगर आप पहले हिंदी में बात करें कि हम क्या क्या होता है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, तो देखो अगर हम प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन की बात करें, तो हमारा एक कमर्शियल बैंक है, हमको पता है कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास डिमांड मतलब कि हम लोग हैं, हम जाके बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, वो कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। तो वो जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है, उसका कुछ पार्ट वो रिजर्व रखता है, जिसको हम कैश रिजर्व बोलते हैं। और वो जो रेशियो होती है, मतलब कितना उसने कैश रिजर्व रखना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारा आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा किस चीज को, कि कितना कैश रिजर्व रखा। अब जितना डिमांड डिपॉजिट आया, उसमें से कुछ हिस्सा कैश रिजर्व वो रखता है, बाकी का हिस्सा वो लोन पे चढ़ा देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर लोगों ने मेरे पास 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं, तो यूनी कि एक ही दिन सब लोग आ जाएंगे निकलवाने बैंक से, कि कुछ ही परसेंट लोग आते हैं, उसके लिए भाई हमने कैश रिजर्व रख रखा है। और कमर्शियल बैंक के पास अपना खुद का वॉलेट रिजर्व भी होता है, जो वो खुद के पास भी रखते हैं एडिशनल, जो उनको कोई नहीं कहता, वो अपनी मर्जी से रखते हैं। भाई कल को कोई पैसे मांगने आ जाए, लोगों को इमरजेंसी हो इस सिचुएशन में, तो उनके पास पैसा हो ही ना, सारा लोन पे चढ़ा रखा उन्होंने, ऐसा ना हो, इसलिए वो वॉलेट कैश भी रखते हैं अपने पास। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट जितने भी आए, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने कैश रिजर्व रखा और बाकी उन्होंने लोन पे चढ़ा दिया। जो बैंक लोन चढ़ाता है, वो लोन जो है यूनी डायरेक्ट कि मैंने 10,000 का बैंक से लोन लिया, तो वो मेरे को 10,000 हाथ में दे देगा, नहीं, वो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट कर देगा, फिर मैं उस 10,000 को धीरे धीरे कैसे भी निकलवाते रहूं। अब बैंक को पता है कि अगर मैंने क्रेडिट किया है, तो वो सारा पैसा तो निकलवाने नहीं वाला, वो आगे क्या है, वो फिर से उस जितने उसने डिपॉजिट उसने बैंक ने जितने भी डिपॉजिट अपने पास रखे और आगे उसको लोन पे दिया, लोन में जितने भी रुपए है, लोन में से भी कुछ हिस्सा वो कैश रिजर्व रख के फिर आगे लोन पे चढ़ाता है, फिर सेम वो उस लोन में से भी कुछ कैश रिजर्व रख के फिर उसको भी आगे लोन पे चढ़ा देता है। तो ये प्रोसेस जो है कमर्शियल बैंक करते रहते हैं, किसको करने के लिए, मनी क्रिएशन को अपने करने के लिए। तो अगर हम बात करें, ये हमारा है मनी क्रिएशन। अब इसकी थ्योरी की, हम लिखेंगे कैसे इसको एग्जाम में, तो ये मेन चीज होती है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि पता सबको होता है कि कैसे होता है प्रोसेस, लेकिन जब बात आती है थ्योरी की, तो वहां पर हम मार्क्स लूज कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट थ्योरी है जो हमारी बुक में है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा इजी करके भी बताया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने पहले बताया कि बैंक जो है उनको कैश डिपॉजिट मिलता है किससे, लोगों से, और जिसको वो क्या, वो बैंक के लिए क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट है। जैसे मैंने कहा, मैंने जाके बैंक में 10,000 जमा करवा दिए, नॉट टर्म डिपॉजिट, मैंने एफडी वगैरह करवाई, वो बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट नहीं है। डिमांड डिपॉजिट होता है जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या है, बैंक में कैश जमा करवाया, वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस,
अब बैंक को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एकदम से आके बैंक में खड़े नहीं हो जाएंगे कि भाई हमारा पैसा दो, ठीक है, कि आज अगर 10 लाख जमा होते, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बाद 10 के 10 लाख रुपए लोग निकलवाने आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, एकदम से सभी लोग नहीं आते अपना पैसा निकलवाने। सो बैंक स्टार्ट लेंडिंग द डिमांड डिपॉजिट, तो जो डिमांड डिपॉजिट है लोगों के, जो लोगों ने जमा करवाए हैं पैसे, उनको लेंड क्या करता है, उनको लोन पे चढ़ाना शुरू कर देता है। आफ्टर हैविंग सम कैश रिजर्व, कुछ कैश रिजर्व रखने के बाद, कैश रिजर्व क्या है, मैंने पहले बताया जो CRR होती है, जो RBI बताएगा बैंक को रखने के लिए। अब देखो जैसे यहाँ कैश रिजर्व आ गया, तो ये होती है कैश रिजर्व रेशियो CRR। अब उसके लिए तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो बीच में कंसेप्ट्स कई बार यूज होंगे और एग्जाम में वो आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं आएगा कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स एक्सप्लेन करो, लेकिन कहीं और किसी और क्वेश्चन में वो थोड़ा सा आपको यूज करना भी पड़ सकता है, तो एक बार वो भी जरूर करना। उसके बाद देखो, बैंक डू नॉट लैंड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश। हमको पता है कि बैंक किसी को भी उधार कैश में नहीं देता, कि मैंने अगर बैंक से लोन लिया 10 लाख का, तो बैंक मेरे को हाथ में 10 लाख नहीं देगा, वो मेरे अकाउंट में 10 लाख क्रेडिट कर देगा। इट लैंड मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, किसमें, इन अकाउंट ऑफ बोरोअर, कि जिसने उधार लिया उसके अकाउंट पे वो एक क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं। और ये बैंक का क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट, कि मैंने तो बैंक में मान लो 1000 रुपए जमा किए, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जी 10%, कैश रिजर्व रेशियो कितनी थी 10%, बैंक ने क्या किया 100 रुपए अपने पास रखे, 900 रुपए आगे कहां करा, लोन पे चढ़ा दिए, 900 रुपए बैंक ने लोन पे चढ़ा दिए। अब जो ये लोन पे 900 रुपए चढ़ाए, बैंक के लिए ये भी क्या है, बैंक के लिए ये भी डिपॉजिट्स हैं, और ये कैसे डिपॉजिट हो गए, सेकेंडरी डिपॉजिट। उसके बाद बोरोअर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिटेड लोन। अब बोरोअर जिसने उधार लिया, मैंने जैसे बताया कि बैंक क्रेडिट एंट्री, अब बोरोअर एक चेक निकालेगा, वो अपने 900 रुपए निकलवाने के लिए उसको एक चेक देना पड़ेगा, वो चेक भी उन्हें 900 रुपए का एक साथ ही देगा, ठीक है, तो बैंक क्या कर, बोरोअर क्या करता है, उसको चेक इश्यू करना पड़ता है अगेंस्ट क्रेडिटेड लोन, ठीक है, और अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये क्या करेगा, एक बोरोअर करता है। उसके बाद जब हम बात करें प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, 900 रुपए को निकलवाने के लिए बोरोअर को चेक लगाने पड़ते हैं, और वो चेक यूनियन पूरे के पूरे रुपए का जितने का लोन लिया एक ही बार वो लगाते हैं, वो जनरली बैंक को एक्सपीरियंस से पता है कि वो थोड़े थोड़े करके ही निकालने वाला है, ठीक है, फिर इस 900 में से कुछ रिजर्व रख के वो फिर आगे चढ़ाएगा, और जो फिर आगे उसके पास आगे किसी को लोन दिया वो उसके लिए फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट एक बैंक के लिए क्या क्या हो जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी जो सबसे पहले उसके पास आया, सेकेंडरी क्या होते हैं, जो उसने लोन पे दिए क्रेडिट एंट्री पास की वो रहते अभी भी बैंक के पास है, क्योंकि वो अकाउंट में गए हैं उस पर्सन के, फिर उसमें से भी कुछ रिजर्व रखा और फिर आगे ट्रांसफर किए, तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट क्या हो जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द कैश रिजर्व। ये हमको पता है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो हमेशा ज्यादा होगा कैश रिजर्व से। जैसे ये 1000 रुपए था, कैश रिजर्व उसने 10% मतलब 100 रखे और 900 आगे फिर लोन पे दे दिए, तो 1000 रुपए DD था और 100 रुपए कैश रिजर्व। सेम वे 900 रुपए उसने आगे क्या दिए, लोन पे देने हैं, उसमें से वो 10% क्या करेगा, रिजर्व रखेगा, मतलब कि 90 रुपी और 810 रुपी आगे फिर लोन पे दे देगा, तो 900 क्या हुए डिपॉजिट और 10 और हमारे 90 रुपी क्या हुए कैश रिजर्व। तो हमको पता है कि कैश रिजर्व हमेशा कम होता है किससे, हमारे डिमांड डिपॉजिट से, मतलब डिमांड डिपॉजिट हमेशा ज्यादा होगा कैश रिजर्व से, क्योंकि जो कैश रिजर्व है वो एक परसेंटेज है डिमांड डिपॉजिट का, वो डिमांड डिपॉजिट का ही एक परसेंट है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ा है एज अ रिजर्व, जो बैंक को रखना पड़ा है एज अ रिजर्व। ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज अ मनी सप्लाई, और जितने भी डिमांड डिपॉजिट कंट्री मतलब कि बैंक ने पास आए, जितने भी डिमांड डिपॉजिट वो सब बैंक के लिए क्या है, मनी सप्लाई है, सॉरी वो मार्केट में मनी सप्लाई है। दिस इज द मनी क्रिएटेड बाय बैंक बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन कैश बट इन चेक इशूड बाय बैंक टू द होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब ये जो भी उसने पैसा क्रिएट किया थ्रू द डिमांड डिपॉजिट, वो सारा के सारा हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में मनी क्रिएशन है, और यही मनी क्रिएशन क्या है, कमर्शियल बैंक ने जो
करी है। अब अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें, तो ये तो थी हमारी थ्योरी। तो सपोज करो CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो है 10%, ठीक है, और हमारा डिमांड डिपॉजिट है 10,000 रुपीज, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो 10%, डिमांड डिपॉजिट 10,000। अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ाई, क्या पढ़ाया, ये डिमांड डिपॉजिट बैंक के लिए हो गए प्राइमरी, बैंक को पता है सभी एक साथ निकालने नहीं आएंगे, कुछ परसेंट इसका रिजर्व रखेगा बाकी लोन पे, फिर 10,000 का वो 10% रखेगा, मतलब 1,000 वो अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा, और फिर आगे लोन पे दे देगा कितना 9,000, ठीक है। अब बैंक को पता है कि इस 9,000 में से भी सभी के सभी वो एक साथ पैसे नहीं निकलवाएगा, ये 9,000 अब बैंक के लिए क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट, इस 9,000 में से भी वो कुछ रिजर्व रखेगा फिर आगे लोन पे चढ़ा देगा, तो 9,000 में से वो 10% क्या रखेगा एज अ रिजर्व, मतलब 900, फिर 900 उसने रिजर्व रखे, और फिर से 9,000 - 8,100 उसने क्या किया, लोन पे चढ़ा दिया, ये भी क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब उसको फिर से पता है कि 8,100 जो लोन पे दिए वो पर्सन एकदम से नहीं निकलवाएगा, वो चेक देगा थोड़े थोड़े करके फिर निकलवाएगा, फिर 8,100 का फिर से वो कुछ रिजर्व रखेगा, और बाकी का वो आगे लोन पे चढ़ा देगा, तो बाकी का जो अगर वो लोन पे चढ़ाएगा तो 8,100 - 810 7,290 वो बैंक क्या करेगा, वो फिर से आगे लोन पे चढ़ा देगा। तो ये वो जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बैंक का हमेशा के लिए चलता रहेगा, मतलब कि ये प्रोसेस बैंक का चलता रहेगा, और ये कब तक चलेगा, बात आती है कि ये कब तक चलेगा, मतलब कितनी मनी क्रिएशन एक बैंक कर सकता है। तो अगर हम बात करें कितनी मनी क्रिएशन एक बैंक कर सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, 1/CRR इंटू में डिमांड डिपॉजिट, 1/CRR 1/10% इंटू में डिमांड डिपॉजिट कितने आए थे हमारे पास 10,000, ठीक है, तो ये हमारा क्या होएगा 1/10/100 क्योंकि ये 10% है, तो ये हमारा क्या होएगा 100/10 इंटू में 10,000, तो बैंक जो है वो 1,00,000 रुपी क्रिएट कर देगा, कितने क्रिएट कर देगा 1,00,000 रुपीज, कितने 1,00,000 रुपीज वो क्रिएट कर देगा, जिस 1,00,000 में से उसके पास 10,000 वो क्या रखेगा एज अ रिजर्व, और 90,000 वो क्या चढ़ाएगा एज अ लोन। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक उसके पास क्या नहीं हो जाते 1,00,000 के रिजर्व नहीं हो जाते, मतलब 1,00,000 की मनी सप्लाई नहीं क्रिएट हो जाती, 10,000 के वो टोटल रिजर्व नहीं हो जाते, और लोन कितना होगा 90,000 क्योंकि 1,00,000 मनी क्रिएशन, रिजर्व कितना है 10%, 10,000 लोन खरीदने का 90,000 का। तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक बैंक अपना यही प्रोसीजर चलाता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको अगर एक टेबल में शो करना चाहें तो हम इसको टेबल में कैसे शो कर सकते हैं, राउंड, ठीक है, एक बैंक क्या कर रहा है लोन चढ़ा रहा है, एक वो सब कुछ पार्ट उसका क्या कर रहा है रिजर्व रख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे डिपॉजिट्स, ठीक है, रिजर्व लोन पिक वो कितने दे रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कितने परसेंट वो CRR। तो बैंक के पास फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीन ही राउंड मैंने यहां पे शो करे हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो जो डिपॉजिट बैंक के पास स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट आया 10,000 का, जिसमें से रिजर्व उसने क्या किया 1,000, 9,000 का दे दिए लोन पे, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो कितनी थी 10%, अगेन अब उसके पास 9,000 उसके लिए क्या हो गए डिपॉजिट, कैसे सेकेंडरी डिपॉजिट,
ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट सिर्फ इतना है, लेकिन इसके बाद जितने भी आएंगे वो सभी सेकेंडरी डिपॉजिट। फिर 9000 में से रिजर्व रखेगा कितना, 900 का। लोन पे कितने चढ़ाएगा, 8100। कैश रिजर्व रेशियो कितनी है, 10%, ठीक है। उसके बाद 9000 में से फिर 8100 उसके पास फिर से डिपॉजिट, जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट। इसमें से वो 10% फिर रिजर्व रखेगा, मतलब 810। और फिर आगे वो जो बच गया वो लोन पे ले लेगा, मतलब 7290। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके पास बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स ना हो जाए 1 लाख के। रिजर्व कितने का हो जाएगा, 10,000 का। लोन कितने का, 90,000 का। और सीआरआर कितने का, सीआरआर हमारा 10% है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। तो ये हम ऐसे इसको शो करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा था मनी क्रिएशन, जो क्या करता है, कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है। तो ये हमारा मनी क्रिएशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ अपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब अपेक्स बैंक, या फिर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फंक्शन ऑफ आरबीआई, कुछ भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।